नमस्कार दोस्तों, आपका वेट टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 10 के अपकमिंग ग्लोबल बीट अपडेट 9.3.21 के चेन लॉक के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये चेन लॉक मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चेन लॉक को आपके साथ शेयर करा जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है और ये चेन लॉक वैसे कल ही आ गया था, मगर मुझे अभी देखने को मिला है, तो मैं आपके साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरा डिवाइस है Redmi Note 4 है, और एज़ यूजुअल यहाँ पर Redmi Note 4 और Redmi Note 5 यूजर्स के लिए फिर से अपडेट सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे नहीं पता Xiaomi ऐसा क्यों कर रहा है, फिर भी यहाँ पर फिर से अपडेट सस्पेंड कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन में चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर फिक्स करा गया है कि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन बार डबल डिस्प्ले प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन में जो नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पर डबल डिस्प्ले प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि मेरे डिवाइस में भी अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा, मगर ये अपडेट ही रोल आउट नहीं करा गया है, तो ये फिक्स कैसे होगा। और यहाँ पर लैंडस्केप मोड के लिए बात करी गई है, जिसके बारे में हम बात करने वाले नहीं है, क्योंकि ये MI 9 और MI 8 Pro के लिए करा गया है। यहाँ पर फुल स्क्रीन में कुछ करा गया है जो कि है एडेड, तो यहाँ पर लिखा है वाटर ड्रॉप स्क्रीन शेप स्विच इन फुल स्क्रीन सेटिंग। तो यहाँ पर Redmi Note 7 और MI 9 के लिए यहाँ पर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा गया है, जो कि वाटर ड्रॉप स्क्रीन शेप स्विच इन फुल स्क्रीन सेटिंग है। सो फ्रेंड, अगर आपके पास Redmi Note 7 है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि ये फीचर कैसे काम करता है। यहाँ पर फेस प्रॉम्प्ट के लिए कुछ फिक्स करा गया है, जो कि लिखा गया है कि इन सम केसेस द फेस प्रॉम्प्ट डज नॉट डिसअपीयर इन टाइम, तो इसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पर गेम टूल किट को ऑप्टिमाइज करा गया है, तो यहाँ पर Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 7 के लिए इसको फिक्स करा गया है, जहाँ पर आप वन क्लिक स्विच कर सकते हैं नेटवर्क कार्ड को। अदर फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन ऑटो प्ले का फंक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करा गया है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात थी MI कम्युनिटी के टैब में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर MIUI फोरम में, तो हमें वहाँ पर और सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ तो सिर्फ 5 चीज़ें मेंशन करी गई थी, मगर यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और मेंशन करी गई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि क्लियरिंग रीसेंट्स LED टू एरर्स। तो ये फीचर मुझे भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ये लिखना क्या चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है रीसेंट्स आर क्लियर फास्टर नाउ, तो अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड से ऐप क्लियर करते हैं, तो कभी कभार वहाँ पर डिवाइस लैग होने लगता है, तो यहाँ पर बहुत ही फास्टर आपका डिवाइस यहाँ पर क्लीन हो जाएगा रीसेंट्स ऐप से, जो आपके ऐप्स हैं। फिर आपको यहाँ पर GPS आइकन इन द स्टेटस बार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी इशू आ रही थी कि आप जब भी GPS आइकन को ऑन कर रहे थे, तो आपको उसका आइकन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था, तो उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पर बैटरी रिलेटेड फ्लोटिंग नोटिफिकेशन वर नॉट डिस्प्लेड करेक्टली इन द लैंडस्केप मोड, तो इसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पर परमानेंट नोटिफिकेशन आइकन्स फॉर एम्प्टी स्पॉट इन स्टेटस बार, तो जैसे मान लीजिए आपका WhatsApp का नोटिफिकेशन यहाँ पर स्टेटस बार में शो हो रहा है, मगर जब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आपको वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये इशू मेरी डिवाइस में भी आ रही है, मगर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Xiaomi कोई अपडेट ही रोल आउट नहीं कर रहा है। जैसे ही आप इस डिवाइस का वर्जन देख सकते हैं, ये जो वर्जन है 8.12.20 का है, जो कि लगभग 20 दिसंबर का अपडेट है, और आप देख सकते हैं कितना लंबा समय हो चुका है यहाँ पर अपडेट आए हुए। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि बग्स आने ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट फिक्स है, जो कि मेंशन करा गया कि कुड नॉट मेक स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्हेन द नॉच वॉज हिडन इन सम केसेस, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप नहीं कर पा रहे थे जब आपकी नॉच हिडन होती थी MI 8 Pro और MI 8 Lite के लिए, जो कि डिवाइसेस इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, यही जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं 9.3.21 में, और यही कुछ चेंजेस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके डिवाइसेस में ये अपडेट देखने को मिल गया होगा। और यहाँ पर साइलेंस रखते हैं यहाँ पर Redmi Note 4 और Redmi Note 5 यूजर्स के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पर अपडेट नहीं मिला है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।